अस्सलाम वालेकुम, मैं रफाक अब्बास कुदल आपको वेलकम करता हूँ वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने क्रैक्यूज ऑफ को स्टार्ट किया था और कल का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट वर्ब। आज हम पास्ट की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होगा देखिएगा। एग्जाम्पल्स डैश टू स्कूल यस्टरडे। ऑप्शन है हमारे पास गोज वेंट या हैज गोन। तो चूंकि यस्टरडे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी एग्जाम्पल इसके साथ आती है कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जो रूटीन में नहीं आता, जिसमें जो बेयर सेंटेंस है डेफिनेशन भी नहीं दी गई लेकिन वो रूटीन और हैबिट में नहीं आता। जैसे शी डैश द डोर सॉफ्टली। अब ऑप्शंस है हमारे पास शर्ट्स शर्ट और एस शर्ट। अब इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये पता चले कि प्रेजेंट है या पास्ट है, लेकिन जो सेंटेंस है जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो हम उसको पहले प्रेजेंट में देखते हैं कि क्या वो रूटीन हैबिट या जनरल स्टेटमेंट बनती है, और अगर वो नहीं बनती तो फिर हम उसको पास्ट में लेकर जाते हैं। अब किसी का दरवाजा बंद करना कि वो सॉफ्टली दरवाजा बंद करती है, ये रूटीन नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि हर दफा सॉफ्टली बंद हो, इसका मतलब ये एक दफा होगा कि उसने दरवाजा सॉफ्टली बंद किया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है शर्ट्स और शर्ट सर। तो इसमें शर्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और शर्ट पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे और शर्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड फॉर्म ऑफ। इसके अलावा जो इसमें आता है हमारे पास डिड ही डैश टू यू, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑप्शन है स्पीक स्पोक या विल स्पीक। अब यहां पर डिड लगा हुआ है तो डिड का मतलब है कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है जो हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहां पर स्पीक हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम पास्ट कंटीन्यूअस कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि वो कब यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसकी कॉम्बिनेशन आती है और कॉम्बिनेशन में क्या आता है व्हेन या व्हाइल और दूसरी साइड पास्ट कंटीन्यूअस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वाज या वर और उसके बाद वर्ब की फोर्थ यानी आईएनजी की फॉर्म। एग्जांपल्स हैं शी डैश टू स्कूल व्हेन आई saw her। ऑप्शन है हमारे पास went was going या had gone। अब यहां पर चूंकि हमने देखना है कि आई सा हर पास डेफिनेट है और इसके साथ कंडीशन आ रहा है when, when हो या while हो, तो हम करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का was going is the correct answer। इस तरह अगर यहां पर while भी हो तो बी यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि स्कूल व्हेन आई सॉ हर। इसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब हमारा बिफोर या आफ्टर कंजक्शन के तौर पर हो और दूसरी साइड पे पास्ट इंडेफिनिट हो। अब जरा चेक कीजिएगा he had he dash before I reached there। ऑप्शन है हमारे पास he went
he had gone या he was going, तीनों relevant option रहते हैं एक student को जिसके concept clear नहीं होते। अब यहाँ पर भी आपने वही चेक करना है कि ये past में definite है, combination में से tenses आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो prediction है वो whether while नहीं है बल्कि before है, before हो या after हो। तो अब हमने past perfect को select करना है, correct option होगा हमारा had gone before I reached there। तो ये past के तीन है, परफेक्ट होने में इसकी बात मैं कल ही कर चुका हूँ, उसमें सिर्फ और आता है उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का फर्क नहीं होता, बाकी पास्ट के तीन है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, ये इस तरह आपने करना है। जी तो एक इसमें ये फॉर्म लाता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट कब आता है, यानी दोनों आपके क्लॉजेस एक जैसे सेम कब आते हैं, जब उसमें कॉमा लगाओ या बट लगाओ और इवन के As soon as और no sooner ये भी लगेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, he dashed to help me but refused on time। ऑप्शंस हैं promised, was promising या had promised। अब यहां पर कंजक्शन बट है, इधर पास डेफिनेट है तो इधर भी पास डेफिनेट होगा, आपका ऑप्शन होगा promised, he promised to help me but refused, दोनों आपके क्लॉजेस सेम होंगे पास डेफिनेट। अब इसके अलावा कॉमा या as soon as हम कर लेते हैं, as soon as I left the home the rain dash, ऑप्शन है हमारे पास started, was starting या had started। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा देखिएगा, as soon as आ गया और ये आई लेफ्ट द होम पास इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी द रेन स्टार्टेड, क्योंकि मैंने बताया कॉमा बट एज सून एज और नो सूनर, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन आपके सेम आते हैं पास इंडेफिनिट के साथ पास इंडेफिनिट ही आते हैं। तो ये तीन आपने रूल्स पढ़े हैं आज, पास इंडेफिनिट का यूज होता है सिंपल, पास कॉन्टिन्यूस का यूज होता है और पास परफेक्ट का यूज होता है, और पास इंडेफिनिट के साथ पास इंडेफिनिट कब आता है। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के हवाले से पास को लेकर यही टॉपिक थे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्यूचर की बात करेंगे और उसके अलावा मिसलिनियस यूसेज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पे हम बात करेंगे। थैंक यू।